पर पहाड़ से ये कुछ इस तरह दिखता है। आप दोस्तों यहाँ पर कितने शानदार तरीके से ये मूर्तियाँ हैं, लगता है पूरी पूरी गोल्ड की है। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसी अद्भुत जगह, जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे जयपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किला है जयपुर के अंदर जिसके अंदर महाराजाओं के प्राचीन काल की जैसे कि तलवारें और गने रखी हुई हैं। और आपको वहीं लेकर चलते हैं, फिलहाल मैं गांव के अंदर हूं, अब चलते हैं जयपुर के अंदर। 3, 2, 1 The next day. तो दोस्तों आ चुके हैं जयपुर, अब चलते हैं उस महल के अंदर जिसको आपको बेताबी से इंतजार था। चलो वहां जाने के बाद मिलते हैं आप। तो दोस्तों वहां जाने के लिए पकड़ा हमने एक रिक्शा, जिसके बाद हमें इतने आनंद आए जिसकी पूछो ही। चलो हम वहां जाके आपको फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं वहां जहां पर हम घूमने आए थे। वो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वही है वो महल जिसके अंदर वस्त्र और पुरानी चीजें रखी हुई है। चलो वहां पर चलते हैं। दोस्तों हमने टिकट करा लिया है और एक पर्सन का मात्र 50 रुपए लगते हैं। महल का भी टिकट करा लिया है, जो कि अब इसके अंदर हम इंटर होते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल पाता है हम। तो यहाँ पर बाहर से ये कुछ इस तरह दिखता है, आपको और पीछे एक साइड से दिखा दूंगी। Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, say it loud. दोस्तों आई होप ये आपको सिनेमैटिक सीन अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं इसके अंदर। वाओ कितना शानदार है। दोस्तों एंट्री गेट पर शुरू करते हैं चढ़ना, चलो अंदर जाके देखते हैं हमको क्या क्या मिल पाता है। दोस्तों इस महल के अंदर घुसते ही मिला हमको एक ऐसा शानदार जगह जहाँ पर राजा विराजमान होते थे, यहाँ पर उनकी पंचायत होती थी। प्राचीन काल के औजार दिखने शुरू। दोस्तों थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिली कुछ ऐसी चीजें जिस पर राजा महाराजाओं के सिग्नेचर हुए पड़े थे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने शानदार तरीके से ये मूर्तियाँ हैं, लगता है पूरी पूरी गोल्ड की है। दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिली हम एक गोल्ड मूर्ति, ये देख सकते हो आप कितनी शानदार और कितनी मस्त तरीके से आर्ट की गई। चलो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर कुछ और तस्वीरें हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे पूरे गोल्ड के हैं। दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिले राजा महाराजाओं के बर्तन जो कि इस्तेमाल करते थे, जी हाँ दोस्तों कांसा तांबा। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्राचीन काल के बर्तन वर्तन हैं, जो कि आप यहाँ पर पूरी जगह पूरे ये बर्तन ही बर्तन। दोस्तों अगर आप इन आना चाहते तो ये एक परफेक्ट जगह है, जो कि आप प्राचीन काल की चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर लगता है पूरे सोने ही सोने के हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने शानदार तरीके से आर्ट और डिज़ाइन कर रखी है। यहाँ पर इनको ऊपर लिखा भी हुआ है, जैसे कि वहाँ पर ये लोटा है, ये सुराही, ये इमरती, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों इस महल के अंदर जितना ही हम आगे जाते हैं उतनी ही शानदार शानदार चीज़ें दिखने को मिलती हैं। शानदार दोस्तों अब आता है म्यूजियम, जो कि प्राचीन। दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिले हमको राजा महाराजाओं के औजार जैसे कि तलवार और गने की। ये पूरी की पूरी तलवार है जो कि आप देखते। दोस्तों यहाँ पर एक अमेजिंग गन थी जिसका नाम था तोप गन, ये देख सकते हो आप किस तरह दिखती है और कितनी शानदार लगती है। तो दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है यहाँ पर। दोस्तों ये देखो यहाँ पर ये
परात है जो कि इसके ऊपर उर्दू से लिखाई की हुई है। यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर इतना दिख रहा नहीं होगा जैसे कि हमने आंखों से। दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिली हमको एक 12 फुट की एक परात, जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर आर्ट डिजाइन की हुई थी, राजा महाराजाओं की मूर्तियां स्केच कर रखी थी। चलो देखिए इसको। एक आपको बेहतरीन चीज दिखाता हूँ जो कि है यहाँ, यह आप मेरे साइज से देख सकते हो कितनी बड़ी। तो दोस्तों यह है इसका फर्स्ट फ्लोर, जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर गर्म एसी चल रही है, नीचे थोड़ी बहुत सर्दी थी। तो दोस्तों हम उस महल को तो देख आए जिसके अंदर हमारे प्राचीन काल की चीज़ें रखी थी, जैसे कि वस्त्र और ढोलकियाँ वगैरह रखी थी और सिक्का वगैरह रखे थे जो पहले चला करते थे। अब थोड़ी सी प्यास लग रही है जो कि है, यहाँ पर मैं पानी पीने आ चुका हूँ, आपको मिलता हूँ मैं पानी पीने के बाद। तो दोस्तों हमने पानी पी लिया है, अब बताता हूँ आपको मेरा कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों ये था वो महल जिसके अंदर हम गए थे, अब आ चुका हूँ मैं बाहर पार्किंग के अंदर, और मेरे पीछे साइड रोड है, आपको आवाज भी थोड़ी थोड़ी कम आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसा ही एक व्लॉग और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस व्लॉग के अंदर गए थे हम एक चिड़ियाघर के अंदर। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।